और डायलहंडर में अब बात उस वारदात की, जिसको सुलझाने के लिए पुलिस को पूरी तरह फिल्मी तर्ज पर कार्रवाई करनी पड़ी। पूरी तरह अंदाज फिल्मी था, किसी को खबर भी नहीं थी कि खाकी किसी शातिर को पकड़ने की फिराक में। आखिर बदमाश भी यूपी से जयपुर पहुंचा था 30 लाख की फिरौती के लिए। एक महिला से उसे वसूलने थे 30 लाख रुपये और उन रुपयों को लेने के लिए वो जयपुर पहुंचा था, लेकिन पीड़ित महिला ने इससे पहले पुलिस को खबर दे दी थी और फिर चलती ट्रेन से पकड़ लिया गया एक शातिर। रिपोर्ट जयपुर से। पुलिस का एक ऑपरेशन जिसमें पुलिस को हासिल करनी थी कामयाबी, लेकिन मामला चुनौती भरा था। उत्तर प्रदेश से एक बदमाश एक महिला कारोबारी से फिरौती के 30 लाख रुपए लेने जयपुर पहुंच चुका था और पुलिस को उसे गिरफ्तार करना था। इस बदमाश ने महिला को धमकी दी थी कि या तो वो रुपये दे दे, नहीं तो उसके बच्चों को खत्म कर दिया जाएगा। ये बदमाश महिला को फोन करता और फिरौती की मांग करता, लेकिन इस बार महिला ने बहादुरी की मिसाल पेश की और मामला सौंप दिया गया पुलिस को। पूरे प्रकरण की जानकारी जुटाने के बाद अब पुलिस के सामने थी चुनौती आरोपी को पकड़ने की। इस बार पुलिस ने अपना जाल फैलाया। पहले बदमाश ने महिला को सिंधी कैंप इलाके में बुलाया, लेकिन फिर जगह बदल दी गई। इस बार रेलवे स्टेशन पर रकम लेकर महिला को बुलाया गया। पुलिस सादा कपड़ों में थी, पुलिस ने ही रकम तैयार की, ऊपर नोट असर, लेकिन बीच में कागज की कतरा। कल दोपहर को फिर 8 लाख रुपए की बात हुई, तो हमने फिर 8 लाख रुपए की, चूंकि रकम ज़्यादा बड़ी होती है, तो हमने 8 गड्डी कागज की बना करके उनके ऊपर 1-1 हज़ार के नोट लगा के, और जैसे एंटी करप्शन ट्रैप की कार्रवाई करता है उसी अंदाज में हमने उसकी गड्डियाँ बनाई और गड्डियाँ बना करके हमने उनको सुपुर्द कर दी कि आप उसको जाके दे आए। पुलिस महिला और इस आरोपी पर लगातार नजर गड़ाई हुई थी। ट्रेन में महिला ने नोटों का बैग भी रख दिया, लेकिन अब पुलिस को देखना था कि कहीं ऐसा ना हो कि बदमाश बैग ले जाए और खाकी के हाथ खाली ही रह जाए। आखिरकार पूरा ताना बाना बुना गया। पुलिस टीम भी ट्रेन में सवार हो गई। थोड़ी देर बाद ट्रेन दुर्गापुरा स्टेशन पर पहुंची तो एक शख्स बैग के पास आया और उसको लात मार कर देखा, फिर खोल कर रुपी चेक कर जैसे ही उतरने का प्रयास किया, सादा वर्दी में तैनात पुलिस टीम ने उसे दबोच लिया। दुर्गापुरा स्टेशन के पास एक अचानक व्यक्ति आया और उसने उस बैग को पहले पैर से ठोकर मारी, फिर उसको टटोला और उसमें देखा, उसमें पैसे जैसे ही उसको देखे तो उसने उसको उठाया और उठा के जैसे ही भागने लगा, हमारी जो टीम थी उसने उसको पकड़ लिया। जयपुर पुलिस की इस बार एक अहम कामयाबी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्त में आया बदमाश महिला की फैक्ट्री में काम करता था, जिससे उसे महिला उद्यमी के बारे में पूरी जानकारी थी। अब पुलिस इस शातिर से गहन पूछताछ में जुटी है, लेकिन इस बार जयपुर पुलिस के कई थाना अधिकारियों के टीम वर्क ने वाकई एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से अभिमन्यु सिंह की रिपोर्ट।